सैमसंग का A20S मॉडल है, जो मॉडल नंबर A207F है। इसमें FRP लाख लगा है, आपको दिखा दूँ। चलिए बोर्ड को निकाल लेते हैं। इसमें तीन जम्पर मारना है, CMD, CLK, डाटा जीरो। बोर्ड को फटाफट निकाल लेते हैं। इसमें तीन जम्पर करते हैं, CMD, डाटा जीरो, CLK, आई ग्राउंड। फटाफट जम्पर कर लें। ध्यान पूर्वक जंपर करना है कि कोई भी कंपोनेंट या कैपेसिटर न उखड़े। हमने जंपर कर लिया है, ग्राउंड लगा देते हैं। अब बोर्ड को, मदरबोर्ड को बोर्ड में फिक्स करेंगे, यूएफआई से कनेक्ट करेंगे। UFI में कनेक्ट करके PC से जो डाटा केबल है कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे PC में, डेस्कटॉप पे आकर UFI को ओपन करेंगे। UFI का UMC टूल्स को ओपन करेंगे। डायरेक्ट UMC ISP पे क्लिक करेंगे। पहले थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। डायरेक्ट UMC ISP पे क्लिक करके आइडेंटिफाई कर देंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर यूजर पार्ट में जाएंगे। आपको मॉडल दिखा दूँ, SM A207F है। यूजर पार्ट में आएंगे, स्पेशल टास्क में क्लियर FRP कर देंगे। क्लियर FRP करने के बाद अब उसके बाद चेक करेंगे कि FRP नहीं हटा रहेगा। हमने क्लियर FRP करके देखा था, नहीं हटा था। आपको बता दूं क्या करना है। फिर से UMC टूल बॉक्स खोलेंगे, कर लेंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसके बाद यूजर पार्ट में जाएंगे, इसमें खोजेंगे आइडेंटिफाई कर लें। पेरिस्टेंट पे आकर उस पर बॉक्स में क्लिक करके इरेज करेंगे। इरेज कर देंगे तो इसमें आपका FRP 100% हट जाएगा। कुछ कुछ मॉडल में सैमसंग में क्लियर FRP करने पे नहीं हटता है। आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद UFI को निकाल देंगे, जंपर को लोच कर देंगे, इसमें से ISP पिन का जंपर हटा देंगे। फटाफट जंपर हटा लेते हैं। इसमें UFI से आइडेंटिफाई करने पर क्लियर FRP करने पर नहीं हटता है। जब तक आप पेरिस्टेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करके इरेज नहीं करेंगे, तो
एफआर भी लग नहीं करता है। चाल होने तक वेट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको वीडियो समझ नहीं आते तो कमेंट कर सकते हैं, बाईपास कर लेंगे अपना। चलिए फटाफट बाईपास करते हैं, स्किप कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, अपलोड करने का समय भी नहीं लगता है, सॉरी समय नहीं मिलता है अपलोड करने का। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे नए नए वीडियो पे आपको बनाता रहूँगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। आपको मॉडल दिखा दे रहा हूँ, वो आउटफोन में A20S है।